इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये टर्निंग ऑन किया हमने, ठीक है, ये देखें चेक कर रहे हैं पावर वाली लाइट ऑन हुई है, तो ये साथ ही ऑफ हो गई है, ठीक है। ये दोबारा से इसको ऑन किया, ये ऑन हुई है लाइट, ये फिर ऑफ हो गई है। ये इशू आ रहा है, ये पावर वाला बटन हम पुश करते हैं, लाइट ऑन होती है पावर वाले बटन की और साथ ही ऑफ हो जाती है, और यही सिलसिला का कंटिन्यूसली चल रहा है, और स्क्रीन के ऊपर इसका जो है ना डिस्प्ले वगैरह शो नहीं हो रहा। तो चलें देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, लैटीट्यूड E6330 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये टर्निंग ऑन किया हमने, ठीक है, ये देखें चेक कर रहे हैं पावर वाली लाइट ऑन हुई है, तो ये साथ ही ऑफ हो गई है, ठीक है। ये दोबारा से इसको ऑन किया, ये ऑन हुई है लाइट, ये फिर ऑफ हो गई है। ये इशू आ रहा है, ये पावर वाला बटन हम पुश करते हैं, लाइट ऑन होती है पावर वाले बटन की और साथ ही ऑफ हो जाती है, और यही सिलसिला का कंटिन्यूसली चल रहा है, और स्क्रीन के ऊपर इसका जो है ना डिस्प्ले वगैरह शो नहीं हो रहा। तो चलें देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये स्क्रीन अपने टोटल ओपन कर लेने, ये बैक कवर इसका जो है ना हम ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, अच्छी बैक कवर ओपन की है। तो ये सबसे पहले आपने सिम उतारना है इसका, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर ये आपने इसकी रैम उतार लेनी है टोटल दोनों, ठीक है। ये रैम उतार ली आपने, तो एक दफ़ा रैम आपने वेरीफाई कर लेनी है दूसरी रैम लगा के, तो इसको ऑन करके चेक कर लेना है क्योंकि किसी दफ़ा को रैम का भी प्रॉब्लम होता ही है। उसके बाद फिर मदरबोर्ड का चेक करेंगे। तो पहले ये रैम आपने ओके वाली जो है ना लगा के तो वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ये रैम आपने लगाई है, तो ये चार्जर इसका प्लग इन किया है। बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये चेक कर रहे हैं, ये ऑन हुआ है फिर ऑफ हो गया। तो ये इसको ये टर्निंग ऑन करते हैं, चेक कर रहे हैं फिर ऑफ हो गया। अभी सीमो सुथरा हुआ है, हो सकता है एक से दो दफ़ा ऑन ऑफ हो, लेकिन इसको चेक कर लेंगे फिर ऑफ हो गया, ठीक है। फिर ऑन करते हैं फिर ऑफ हो गया, सेम कंडीशन है, ठीक है। तो चलें अब इसको मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं इसका। तो ये कंप्लीट स्क्रीन उसके टोटल जितने भी है ना वो ओपन कर लेंगे, ओपन करके तो इसका मदरबोर्ड जो है ना वो बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये कीबोर्ड उतर गया इसका। अब ये सी पैनल के स्क्रीन वगैरह ओपन कर लेंगे इसके, ठीक है। फिर ये मदरबोर्ड बाहर निकाल लेंगे सी पैनल ओपन करके। बिस्मिल्लाह जी, ये सी पैनल ओपन हो गया, इसका मदरबोर्ड सामने आ गया है, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड बाहर निकाल लेंगे और ये चेक करें ज़रा, ये इसके कंट्रोलर को जंग लगा हुआ है, मैं चेक कर रही हूँ, ये टोटल जंग लगा हुआ है कंट्रोलर को। तो चलें देख लेते हैं, अगर बनता है तो सफाई करके पहले इसको चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये कंट्रोलर बाहर आ गया है, मदरबोर्ड कंप्लीट बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये कंट्रोलर है, ये जो इसको कार्बन वगैरह लगा हुआ है, पहले इसकी सफाई कर लेंगे, क्योंकि ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है ना कंट्रोल कर रहा है, तो इसी ने सप्लाई बनानी है, तो फिर प्रॉपर इसने ऑन करना मदरबोर्ड को। चलें सफाई कर लेते हैं पहले इसकी, ये जो जंग वगैरह लगा हुआ है कार्बन वगैरह आया हुआ है, इसको सफाई कर लेंगे पहले। ये सफाई की है इसकी कंट्रोलर की, लेकिन अभी भी कार्बन जो है ना वो है थोड़ा थोड़ा, तो अभी इसको जो है ना रिसोल्डिंग कर लेंगे, ताकि ये जो इसकी रिसोल्डिंग पुरानी हुई है जंग की वजह से, तो इसको रिसोल्डिंग करके दोबारा बहाल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये कंट्रोलर उतारा है हमने, ठीक है। तो ये कार्बन लगा हुआ था इधर, कार्बन साफ़ की है, अब कंट्रोलर जो है ना दोबारा इसको लगाएंगे। ये प्रिंट एक मिस था इसके तरह से, प्रिंट भी बनाया है, अभी ये कंट्रोलर दोबारा इसको लगाएंगे, लगा के फिर चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, ये कंट्रोलर लगाया है इसको, ठीक है। तो ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो एरिया है वो डिस्टर्ब हो गया है इसका, तो ये कंट्रोलर का इशू है, ये कंट्रोलर अब चेंज ही करना पड़ेगा। तो ये दोनों कंट्रोलर चेंज होते हैं, एक नहीं होता फिर, क्योंकि ये सेट ही होता है पूरा।
तो ये दोनों कंट्रोलर तो फिलहाल मिलेंगे नहीं, तो इसका जो है ना फिर मदरबोर्ड ही हम चेंज कर लेंगे। तो चलें इसको फिलहाल पैक कर देते हैं, मदरबोर्ड चेंज करेंगे कस्टमर से पूछ के। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।